the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Straight down, Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too.
तो गाइस 16 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया मनाली के लिए। हमने 12:30 बजे ड्राइव स्टार्ट कर लिया था एंड अब हम यहाँ दीपक ताल पहुँचे हैं और 100 वेरी नाइस। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये दीपक ताल है और इसका झरना भी है, बहुत ही खूबसूरत झरना है और बहुत ही खूबसूरत ताल है ये। गड्ढे हैवी होते हैं, कुछ जगह गड्ढे हल्के होते हैं तो गोल पत्थर होते हैं तो उसमें निकालने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अरे ये सही था, अरे ये सही था, अपना नाम बता दो। मेरा नाम तोन तशीर। आपका नाम? तशीर दुल्ला। ये ढाबा है और गर्जर ढाबा और यहाँ पे हमने दाल चावल और मटन खाया था और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त लगा मुझे। अभी मैंने जो शूट करा है और बहुत ही कम बजट में आप यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे किचन और बहुत सारा सामान लगा हुआ है यहाँ नीचे, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप यहाँ रुके तो ज़रूर यहाँ पे गजट आप। हेलो गाइस, शाम के 4:30 हो रहे हैं और हम अभी यहाँ पे दर्शा में आए। ये यहाँ से मनाली 145 अराउंड है और हमने यहाँ पे खाना खाया है। आप देख सकते हैं गर्जा ढाबा एंड दर्जा, ये सबसे बेहतरीन मतलब सबसे अच्छा टेस्टी यहाँ पे खाना था और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे खाना। नॉनवेज और वेज दोनों ही बहुत बढ़िया था यहाँ पे। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पूरे ट्रक की ट्रक हो रहे हैं, पूरा जाम लग रहा है ऊपर। लेकिन ये है कि उसके साइड बाय साइड हमें बाइक निकालने के लिए जगह है हमारे पास और काफ़ी लंबा ट्रैवल था और काफ़ी सारी सड़क भी ख़राब थी, पानी भी था बहुत सारा। बता रहे हैं कि अभी अब जाके थोड़ा बहुत ठीक रहेगा। सो अब हम चलते हैं, अब देखते हैं मनाली कब तक पहुंचते हैं रात को, क्योंकि हमें वहाँ जाके होटल भी लेना है। सो गाइस देखते हैं फिर आगे क्या होता है। टिल देन बाय बाय। बोल बोल बोल, रिकॉर्डिंग हो रही है दोस्तों। ये रोहतांग पास का एक टनल बन रहा है जो डायरेक्ट कहाँ को, डायरेक्ट मनाली से सीधा डायरेक्ट आएगा, मनाली से सीधा डायरेक्ट यहाँ पर आएगा। तो इसका वर्क अभी स्टार्ट हो गया, वैसे तो ये पूरा बन चुका है लेकिन अभी स्टार्ट नहीं करा ये। तो ये देखिए यहाँ पे भी है कि यहाँ बना रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन, जल्दी से जल्दी हो सकता है कि एक साल में पूरा पर पूरा तैयार हो जाए। Yeah.
गाइस, शाम के 6:30 बज रहे हैं और हम ये बिलासपुर वाला जो रोड था ये अभी बन चुका है, बस ये थोड़ा सा ही ख़राब है, मतलब 100 मीटर भी नहीं है। बाकी मेरे पीछे अभी मैं रोड देखा कि बहुत अंदर होल करा गया है कि जो पानी है उसके से ड्रेन होगा और सारा रोड तैयार हो गया है, बहुत बढ़िया बन गया है। मैं बहुत परेशान था कि पता नहीं बना होगा नहीं होगा, कैसा आया था तो बना हुआ नहीं था, अब तो वाकई में मज़ा आ रहा है। इसलिए मुझे ये रेड सैंड की जगह बहुत ज़्यादा हो गया, आप देख सकते हैं पूरा रोड बना हुआ है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था 12 घंटे टाइम to get off the darkest ground. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to